हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन पर डिस्काउंट कैसे लगा सकते हैं, इसी की बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आज ये मैं 2016 वर्जन यूज कर रहा हूं। अगर आप 2007 भी यूज कर रहे हो तो काम करने का लगभग तरीका सेम ही है, बस आपको क्वेरी के लिए क्रिएट पे जाके और फिर क्वेरी डिजाइन से जाके क्वेरी लगानी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में खास बात यह है कि आप यहीं पे रह के इसी व्यू में रह के और यहीं से क्वेरी भी लगा सकते हैं। चलिए ये आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फाइल पे आते हैं और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ले लेते हैं, ठीक है, तरीका यही है। और यहाँ क्रिएट कर देते हैं क्लिक, तो ये इस तरह का सिनेरियो आएगा। आप यहाँ पे रह करके हमें यहाँ पे इसे एक नाम दे देना है, टेबल को सॉफ्टवेयर नाम दे देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आईडी आ रही है, आईडी के ही बेस पे हम सर्च करेंगे और यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, दे दिया। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी और ये प्राइस जो है हम रखेंगे करेंसी डेटा टाइप। क्या रखेंगे? करेंसी। तो ये करेंसी कर लिया हमने। अब यहाँ पे यूनिट आएगा, तो यूनिट कर लिया। अब यूनिट हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि कोई सामान हम 1.5 किलो 2.5 किलो 2.75 किलो ऐसे करके खरीदे या बेचे, तो उस कंडीशन में हमें डेसिमल की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसे डबल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे टोटल, टोटल आ गया। अब टोटल को क्या रखेंगे हम? टोटल को रखेंगे कैलकुलेटेड। यहीं पर डिफरेंस है 2016 और 2007 में। यही चीज आपको 2007 में क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन में जाके लगानी पड़ेगी और यही चीज आपको 2016 में यहीं पे मिल जाती है कैलकुलेटेड फील्ड के रूप में। तो यहाँ कैलकुलेटेड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लिख दिया हमने प्राइस इंटू, अब यहाँ पे लिख देना यूनिट, ओके। तो प्राइस इंटू यूनिट कर दिया हमने और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया, ओके कर दिया। अब ये टोटल तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अब नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे हम देंगे क्या, यहाँ पे देंगे डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट ये जो है परसेंट में लगेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कर देता हूं पहले नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है, माउस को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, माउस से, और यहाँ पे पी प्रेस कीजिए, यहाँ परसेंट आ जाएगा, बस आपको यहाँ परसेंट रख लेना है, ठीक है। अब फिर ये तो डिस्काउंट हो गया, ठीक है, परसेंट में। अब डिस्काउंट का अमाउंट क्या आएगा वो चीज, तो यहाँ पे लिखता हूं डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कर देंगे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा गैप दे दीजिए। अब बस, अब यहाँ पे आके फिर वापस कैलकुलेटेड, तो ये ले लिया हमने, तो ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप ले लिया हमने। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट कैसे करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को, तो टोटल के बेस पे, टोटल में ही हमारा डिस्काउंट छिपा हुआ है, तो टोटल, ठीक है, और इनटू, चूंकि परसेंट लिया हुआ है ना फॉर्मेट, तो ये अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो इनटू डिस्काउंट, बस आपको यही लिखना है। अब ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो अब फाइनल पेएबल की बात करेंगे। फाइनल पेएबल, ठीक है, तो फाइनल पेएबल कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे, यहां से कैलकुलेटेड डेटा टाइप ले लेंगे और यहां पर टोटल माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बस यही आपको लिखना है, डिस्काउंट, बस आपका जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा इससे। और अब यहां से चल के और ओके प्रेस करके और यहां से इस तरह से हमें कर देना है। अब यहां पे हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो क्वेरी लगाई है वो सही है या गलत है, ठीक है, तो चलिए ये चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं कर देता हूं कीबोर्ड, कर दिया, ठीक है, और कीबोर्ड की प्राइस है 200 रुपए और यूनिट भी की 60, तो यहां पे टोटल आ गया ना 12,000 रुपए। अब डिस्काउंट की बात कर लेते, यहां पे 2% का डिस्काउंट लगाते हैं, 2, ठीक है, तो ये 2% के हिसाब से 240 रुपए आ गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 240 आ गया। तो यहां पे कुल मिला के 12,000 रुपए हुआ था ना टोटल, अब उसमें से 240 रुपए माइनस हो गया, 11,760 रुपए आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं यहां कर देता हूं माउस, 120 रुपए की माउस है और मान लीजिए 120 पीस बिका, तो इसके हिसाब से 14,400 रुपए आ गया। अब इस पे डिस्काउंट मिला मान लीजिए 4% का, तो 4% के हिसाब से 576 रुपए डिस्काउंट हो गया और बाकी पैसे आपको देने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कर देते हैं एलईडी, एलईडी जो है
7800 की पड़ी एक, ठीक है, और चार एलईडी यहाँ पे लिया हमने, और यहाँ पे डिस्काउंट लगा 10% का। ओके, तो यहाँ पे 3120 रुपए डिस्काउंट हो गया, बाकी अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे कर लेता हूँ एलसीडी, एलसीडी ठीक है, और एलसीडी जो है 5600 रुपए की मिली और दो एलसीडी भी की, तो इस तरह से ये आ गया और इस पे 2% का डिस्काउंट लग गया। तो ये इस तरह से, तो इसी तरह से ये होता चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके और आते हैं फॉर्म क्रिएशन पे। यहां से फॉर्म पे आके, फॉर्म विजार्ड पे आके क्लिक करेंगे और जिन जिन चीजों की आपको जरूरत हो वो चीजें ले लेंगे, ठीक है। इन सब की हमें जरूरत है, तो इन सब को हमने ले लिया, ओके किया। कॉलमर फॉर्म में ही डेटा हमारा रहना चाहिए। यहां पर मॉडिफाई कर देते हैं डिजाइन को, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी है, यहां पर क्लिक करिए और इसको थोड़ा रिसाइज कर लेता हूं। यहां से प्रोडक्ट नेम को छोटा रहना चाहिए, ओके, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा और ये पूरा का पूरा सिलेक्शन में लेके और होम पे जाके बोल्ड कर लेता हूं और यहां से ब्लैक कर लेता हूं कलर इसका, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पे प्राइस जो है, ये देखिए प्राइस का कॉलम काफी बड़ा है, ये इसको छोटा कर लेता हूं, इसको भी छोटा कर लेता हूं, टोटल इसको भी छोटा करना पड़ेगा, तो इसी तरह से सबको छोटा कर लेंगे ऐसे ही। यहां से जाके इसको छोटा, और इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पे क्लिक करके और यहां से इसका कलर बदल देता हूं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम सर्च करें तो यहीं पर, यहीं से हम सर्च कर ले ऊपर से, तो यहाँ डिजाइन पे जाके और ये कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं और ये इस तरह से कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ड्रैग करवाएंगे तो ये ऐसे आएगा। और तीसरा ऑप्शन चूज करना है हमें, और आईडी के बेस पे हम मान लीजिए सर्च करेंगे और ये इस तरह से लेके नेक्स्ट, और ये आईडी वन आ रहा है, मैं यहाँ कर देता हूँ प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, इसे एक नाम दे दिया प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, और यहां से फिनिश पे कर देता हूँ क्लिक, तो ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये करना है हमें कि इसको थोड़ा छोटा बनाना है, दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा गैप दिखना चाहिए, और ये जो प्रोडक्ट नंबर हमने लिया है इसका जो कलर है, इन दोनों का कलर, वो कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं यहाँ से। तो होम पे जाके फिर ये हमने कलर डार्क कर दिया और जो बैकग्राउंड का कलर है उसे भी कर लेते हैं चेंज, ठीक है। इसे हम कर देते हैं व्हाइट कलर, ये व्हाइट कर दिया हमने, और बैकग्राउंड का कलर हम रखेंगे रेड में, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ओके। इसको थोड़ा सा और बड़ा, बस, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब ये हमारा डिजाइन हो चुका है, नीचे चाहे तो आप बटन्स वगैरह बना सकते हैं, फिलहाल हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देख पाएंगे कि ये इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 3 चूज करता हूं तो प्रोडक्ट नंबर 3 की डिटेल आएगी, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट नंबर 4 चूज करता हूं तो प्रोडक्ट नंबर 4 की डिटेल आएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसे इसका फॉर्मेट बदल देते हैं, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर जैसा दिखे, तो इस वजह के अब यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा रिसाइज होने के फॉर्म में, तो ये अब सॉफ्टवेयर जैसा थोड़ा सा दिखने लगा है। अगर इसको आप मैक्सिमाइज करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक्सेस का आइकन हट जाएगा इससे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर क्वेरी लगानी है। क्वेरी क्यों लगानी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम सपोज कीजिए कि कीबोर्ड देखना चाहें, यानी प्रोडक्ट नंबर 1 देखना चाहें, तो सिर्फ मुझे कीबोर्ड की ही डिटेल नजर आए रिपोर्ट में। अभी क्या होगा, अभी अगर हम यहां से 2 चूज करते हैं तो ये देखिए 2 की डिटेल नजर आ रही है, लेकिन जब रिपोर्ट डिजाइन करेंगे तब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं और फिर यहां से रिपोर्ट विजार्ड पे चलते हैं, ठीक है, और इस सबको ले लेते हैं और यहां से नेक्स्ट, और ग्रुप करने के लिए तो आईडी, और ये इस तरह से करके, और यहां से मॉडिफाई रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक कर देते हैं
तो ये थोड़ा अरेंज नहीं है अभी, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये देख सकते हैं कि यहां पर फॉर्म में हमने चूज किया है टू, प्रोडक्ट नंबर टू चूज किया है, लेकिन प्रोडक्ट नंबर टू की जगह पूरी डिटेल आ रही है। ये हम ये पूरी डिटेल तो नहीं चाहते कम से कम, तो इसको हमें हटाना होगा। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूं, यहां से इसे डिलीट कर देता हूं। ओके, और अब हम वो क्वेरी बनाएंगे जिसकी मदद से हमें एक ही प्रोडक्ट की रिपोर्ट हमें दिखाई पड़ेगी। तो यहां ऐड पे जाके इसे ऐड करवा दिया हमने, क्लोज कर दिया इसको। अब हमें ये सारी की सारी डिटेल चाहिए, तो ये सारी इस पर क्लिक करके और सबको यहां लेके आ जाइए। ओके, क्राइटेरिया में चलना है और क्राइटेरिया में टाइप क्या करना है, फॉर्म। ये फॉर्म के अंदर हमें देखना है, ठीक है। तो ये फॉर्म चूज कर लीजिए, यहां से एक्सक्लेमेशन लगाइए और हमारे जो फॉर्म है उसका नाम है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब किसके बेस पे सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नाम दिया था आईडी, तो आईडी के बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आईडी कर देता हूँ। आपको लेबल नहीं लेना, लेबल मत लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको सेव कर लीजिए, क्वेरी बना रहा है, यहाँ पे आईडी के नाम से इसे सेव कर देता हूं। ओके, तो आईडी के नाम से एक क्वेरी हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है वापस कहां से, अब हम यहां से क्रिएट पे चल के और डिजाइन कर लेते हैं रिपोर्ट। ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए, लेकिन कहां से चाहिए, क्वेरी आईडी से चाहिए। सब चीजों को ले लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेबल्स आईडी के बेस पे, और फिर रिपोर्ट डिजाइन, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा रिपोर्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा छोटा बना लेता हूं ताकि सही से ये दिखाई पड़े। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया, और इसको ऊपर कर लेता हूं और ये इसको आईडी को हटा देता हूं यहां से। यहां पे एक टाइटल ले लेता हूं, ये जो टाइटल दिया हुआ है यहां से अब टाइटल हमें देना है। तो टाइटल क्या देना चाहते हैं, हाउंड ऑन एवरी प्रोडक्ट, ये दे दिया हमने। और यहां से ये लोगों के लिए दिया हुआ है, तो लोगों तो हमें चाहिए नहीं, तो लोगों के लिए ये हटा देते हैं और इसको जो है सेंटर में लेके आते हैं और इसका फॉन्ट बदल देते हैं। ये सिलेक्शन में लिया, होम पे गए और यहां से फॉन्ट बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फॉन्ट भी चेंज कर दिया और इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। और यहां से थोड़ा सा और इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और कलर इसका बदल देंगे, जो कलर है ना वो चेंज कर देंगे। तो यहां से पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं और फिर इसका कलर वाइट कर देता हूं। ओके, बस इतना कर लेना है हमें, और ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्शन में लेके सिवाय इसके। और इसे बना देना है ब्लैक, डार्क ब्लैक, तो यहां से डार्क ब्लैक बना देता हूं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पे व्यू पे कर देना है क्लिक, तो व्यू पे क्लिक किया तो अभी देखिए हमने फॉर्म में क्या सिलेक्शन में लिया हुआ है, प्रोडक्ट नंबर 4 सिलेक्शन में लिया हुआ है जिसका नाम है एलसीडी। तो यहां पे देख सकते हैं कि सिर्फ एलसीडी की ही डिटेल हमारे पास आ रही है, ये देखिए, ठीक है, केवल एलसीडी की ही डिटेल आ रही है। अगर मैं यहां से हटता हूं और प्रोडक्ट नंबर 2 चूज कर लेता हूं और रिफ्रेश पे कर देता हूं क्लिक, तो यहां पे देखिए सिर्फ माउस की डिटेल आएगी, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट नंबर 4 किया तो यहां पे देखिए सिर्फ 4 की ही डिटेल आएगी और डिस्काउंट भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
आप चाहे तो यहां पर डिस्काउंट कोई प्रोडक्ट बढ़ाना चाहे तो यहां से बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे चार्जर कर देता हूं मैं, चार्जर ओके, कितना चुका रहे थे 12,000 और डिस्काउंट के बाद 9600, ये हम यहां से सेव कर लेंगे ठीक है। और अब इन सबको क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये तो हो ही चुका है, तो सेव करके और क्लोज कर लेता हूं, इसको भी सेव करके और क्लोज कर लेता हूं ठीक है। अब यहां से हमको ओपन करना है फॉर्म को, ये ओपन किया, अब आप देख सकते हैं कि यहां पे 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं ठीक है, पहले 4 थे अब 5 आ गए, पांचवा कौन सा है, वही चार्जर जो हमने यूज किया था। अब यहां पे प्रोडक्ट नंबर 5 सिलेक्टेड है ना, अब यहां पे रिपोर्ट में देखिए, रिपोर्ट में जैसे ही आएंगे तो आपको यहां पे चार्जर यानी प्रोडक्ट नंबर 5 दिखाई पड़ेगा, आईडी नंबर 5 ठीक है। यहां पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया है इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको आप यहां से सही कर सकते हैं, यहां पे डिजाइन व्यू में जाके और यहां से ये प्रोडक्ट नेम आईडी आईडी है ना, इसको यहां से बढ़ा लीजिए आप थोड़ा सा, ओके तो ये इस तरीके से कर दिया हमने। अब ये दिखाई पड़ेगा तो यहां पे देखिए आईडी नंबर 5 ये दिखाई पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये डिस्काउंट का सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं और हर प्रोडक्ट का कैसे रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं आपको समझ में आई होगी बात। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।